Hello students, this is Tanu Narang from Global Type IELTS and Immigration Services, Firozpur City. So students, as you all know कि reading कितना boring होता है और plus कितना complex भी होता है. So सबसे ज़्यादा strategic like सबसे ज़्यादा you can say struggling हम लोग कुछ parts में कुछ types of questions ऐसे होते हैं जो clear नहीं होते हैं या confuse कर देते हैं, जिसके कारण हमारे bands 5 रह जाते हैं, 5.5 रह जाते हैं. हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है 6 बैंड्स वाली, राइट. तो उन सब में से, उन्हीं सभी कैटेगरीज में से ना एक कैटेगरी होती है, दैट इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. ओके, सो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चंस या येस नो नॉट गिवन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत से बच्चों को क्या रहता है, उनको ना कंफ्यूजन रहती है कि स्टेटमेंट ट्रू ट्रू का तो क्लियर हो जाता है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दैट इज गिवन इन द पैसेज. अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है फॉल्स में एंड आती है नॉट गिवन में, राइट. तो आज ना हम इस वीडियो में इसी स्ट्रेटेजी को और इसी प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर देंगे, सॉल्व क्या खत्म ही कर देंगे, राइट. तो अभी आपके सामने ना स्क्रीन खुली हुई है, तो इस पे ना मैंने ना एक टेबल लिखा हुआ है, यू नो ब्रेनी ट्रिक टू सॉल्व ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. चाहे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है या येस नो है, यू पीपल कैन इम्प्लीमेंट दैट. तो सबसे पहले ना फटाफट से अपना पेपर और पेंसिल निकाल लो, ओके, एंड ये नोट डाउन करो. सबसे पहले है जैसे कि ये है ट्रू प्लस ट्रू इक्वल्स टू ट्रू. सेकेंड है ट्रू प्लस फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स. ट्रू प्लस नॉट गिवन इक्वल्स टू नॉट गिवन. फॉल्स प्लस फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स. एंड देन फॉल्स प्लस नॉट गिवन इक्वल्स टू फॉल्स. अब ये जो पूरा टेबल है या ये जो प्रॉपर हमने अभी लिखा है ना, अभी जब तुम लोगों ने लिख लिया है ना, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अब आप बोलोगे मैम ये पता नहीं क्या लिखवा दिया आपने, अब इसको यूज कैसे करना है? तो चलो अब ना हम इसको यूज करते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट करके हाउ वी कैन यूज द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन स्ट्रेटेजी. ठीक है, तो अभी आई एम गोइंग टू शो यू द पैराग्राफ. तो यहाँ पे इफ यू कैन सी कि ना पैराग्राफ दिया है मैंने ना एक रैंडम पैसेज उठा लिया था. यू कैन सी जस्ट सेकेंड. हाँ, तो एक रैंडम पैराग्राफ मैंने उठाया था जस्ट टू आपको एक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का वो क्लैरिफाई हो जाए. तो लेट मी फाइंड आउट. ओके, सो एज यू ऑल नो अभी आप देख सकते हो कि क्या है नीचे, मैंने साइड पे वो भी लिखे हुए हैं, यू पीपल कैन सी. तो जब साथ साथ वो करेंगे ना, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको ना साथ साथ इसका ध्यान रखना है कि वो कैसे कैसे आया है. ओके, अब यहाँ पे यू कैन सी, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेटमेंट है इन 1887. अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात ना मैं और बताना चाहती हूँ. अब सबसे पहले ना एक बड़ी बेसिक सी चीज है, जब हम रीडिंग को क्रैक करते हैं या आंसर्स को लोकेट करते हैं ना, तो देयर आर यू कैन से कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ऑब्जर्व करने का. ओके, सो वो फैक्टर है कि सबसे पहले यू पीपल हैव टू आइडेंटिफाई कि जो पैसेज 1 है, 2 है या आइदर 3 है, कोई भी पैराग्राफ है. अब जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हो, सबसे पहले आपने ये करना है, आपको चेक करना है कि जो पैराग्राफ है वो लेबल्ड है या अनलेबल्ड. अब यहाँ पे यू कैन सी ये पैराग्राफ क्या है, अनलेबल्ड है कंप्लीटली, राइट. अनलेबल्ड एज इन देखो यहाँ पे कोई ए बी सी नहीं है, और कई पैसेज होते हैं जैसे कि यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, और ये सेकंड पैसेज हो गया बी, है ना. ऐसे पैसेजेस लेबल्ड भी होते हैं, राइट, आप लोगों ने देखा होगा. तो जो पैसेजेस लेबल्ड होते हैं ना और जो अनलेबल्ड होते हैं, इनमें ना डिफरेंस होता है. अब ये जो पैसेज है ना, ये अनलेबल्ड है. अनलेबल्ड पैराग्राफ्स में यू विल ऑलवेज गेट योर आंसर्स इन द सीक्वेंस फॉर्म. सपोज करो कि आपको फर्स्ट आंसर की लोकेशन यहाँ पे मिली, तो इसके बाद सेकेंड आंसर की लोकेशन आपको इससे आगे मिलेगी, थर्ड की यहाँ पे मिलेगी, और फोर्थ की, अब आपको फोर्थ आंसर का लोकेशन चाहिए तो अब आपको इससे आगे जाना है, मतलब ये वाले पैसेज को हम लोग देखेंगे, इससे पीछे दोबारा से यहाँ से स्टार्ट नहीं होंगे. ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग द प्रायर लाइंस और प्रायर पैसेज. ओके, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बार बार दोबारा से, मतलब फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाओ फ्रॉम 1887 से लेके, बिकॉज इट वुड बी जस्ट वेस्टेज ऑफ योर टाइम, नथिंग एल्स. सो पहले आपने देख लेना कि पैराग्राफ लेबल्ड है कि अनलेबल्ड है,
अब ये देख रहे हो पैसेज अनलेबल्ड है। अब हमें पता है कि मेरे को मेरे सारे आंसर्स ना सीक्वेंस में मिलने वाले हैं, तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, मैं अपना पहला आंसर यहाँ पे निकालूंगी, सेकंड का उसके बाद, थर्ड का उसके बाद, फोर्थ का उसके बाद, एंड सो ऑन। अब तो ये हो गया अनलेबल्ड पैराग्राफ की बात। और अब मैं अगर करूं लेबल्ड पैसेजेस, लेबल्ड पैसेजेस जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती हैं, है ना, मैचिंग इन्फॉर्मेशन होती है, तो दीज कैटेगरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये लेबल्ड पैसेजेस में आते हैं। बाकी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी समटाइम्स लेबल्स में आते हैं। तो जब भी व्हेनेवर यू गेट द लेबल्ड पैसेज, तो एक चीज दिमाग में डन कर लो कि यू हैव टू स्किम द एंटायर पैराग्राफ। ओके, अब आपको जो आपके आंसर्स हैं वो सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। जब भी पैराग्राफ लेबल्ड है, आपको आपके आंसर्स हमेशा रैंडम ऑर्डर में मिलते हैं। सपोज करो आपको आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे मिल रहा है समवेयर इन बिटवीन द पैराग्राफ, तो हो सकता है सेकेंड आपको यहाँ पे मिले, ठीक है, और थर्ड आपको यहाँ पे लास्ट पैसेज में मिले। तो कोई सीक्वेंस नहीं होता है लेबल्ड पैसेजेस का, इसलिए लेबल्ड पैसेजेस थोड़े क्वाइट ट्रिकी होते हैं, क्वाइट कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जो हमारा आज का टॉपिक था, जो मेरा मेन मोटिव था ये वीडियो बनाने का, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बोलते हैं मैम हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के कारण ना स्कोर रह जाता है, व्हाट टू डू। सो स्टूडेंट्स हियर इज द सॉल्यूशन, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे इफ यू सी, ओके, सो यहाँ पे इफ यू कैन सी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन 1887 H.M. Ashley had the fastest bottle producing machine that existed at that time, right? यही है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले यू कैन सी इन 1887, तो दिस इज द कीवर्ड, वी हैव टू एनोटेट दिस कीवर्ड। अब यहाँ पे मैं पैसेज में जाऊंगी तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1887, मतलब मेरे को मेरी लोकेशन मिल गई। अब आगे क्या है, इन 1887 H.M. Ashley हैड द फास्टेस्ट बॉटल प्रोड्यूसिंग मशीन दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। अब मैंने इस इस स्टेटमेंट को दो स्टेटमेंट्स में स्प्लिट कर लिया। अब सबसे पहले कि 1887 में H.M. Ashley had the fastest bottle producing machine, कि H.M. Ashley के पास fastest bottle producing machine थी that existed at that time. अब there are two categories. अब यहाँ पे मैं I am moving to the passage. From 1887 onwards, glass making developed from traditional mouth blowing into a semi-automatic process after factory owner H.M. Ashley. Okay. Introduced a machine of capable of producing 200 bottles per hour in Castleford, Yorkshire, England. Okay. अब यहाँ पे क्या है कि in 1887 H.M. Ashley had the fastest bottle producing machine. अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि H.M. Ashley जो owner थी फैक्ट्री का, उसने इंट्रोड्यूस करा मशीन विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 bottles per hour in Castleford. More than 3 times quicker than any previous machine method. Okay? So, सबसे पहले कि तो first part जो है statement का, इन 1887 दिया हुआ है उसमें, H.M. Ashley का नाम भी है, had the fastest bottle producing machine. ये भी given है. अब जो second part है, मतलब ये हमारा जो है statement, that is, इतना जो हमारा statement है, that is true. ठीक है? ये statement जो है हमारा क्या है? True है. Okay? ये स्टेटमेंट इतना हमारा ट्रू आ गया, ठीक है, मैंने इसको कलर कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट का, दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम, उस टाइम तक, मोर देन 3 टाइम्स क्विकर देन एनी प्रीवियस प्रोडक्शन मेथड, तो कंपैरिजन आ गया कि अब किसी भी प्रीवियस प्रोडक्शन मेथड से 3 गुना डबल। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज मैंशनड इन द पैराग्राफ, सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो मैंशनड इन द पैसेज, तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी स्टेटमेंट क्या है, प्लस ये स्टेटमेंट जो थी ये भी आ गई ट्रू, तो ट्रू प्लस ट्रू इक्वल्स टू ये क्या है ट्रू, तो दैट मीन्स हमारा जो स्टेटमेंट के दोनों पार्ट्स हैं दैट इज मेंशनड इन द पैसेज, तो इसमें क्या आएगा हमारा ट्रू प्लस ट्रू हो गया इक्वल्स टू हमारा आंसर आ गया ट्रू। ओके, सो दैट मींस द आंसर इज ट्रू बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स का पार्ट गिवन है। तो इन द सेम मैनर जब भी आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आए, आपने उसको दो पार्ट्स में उस स्टेटमेंट को स्प्लिट कर लेना है। तो अगर पहली स्टेटमेंट भी पैराग्राफ में है,
दूसरी स्टेटमेंट भी पैराग्राफ में है तो आंसर इज ऑटोमेटिकली ट्रू। इस ट्रिक से ये हेल्प होगी तुम लोगों को ना समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट नीड टू चेक वेदर द हाफ ऑफ द कंटेंट इज देयर इन द पैसेज और नॉट, बिकॉज ये ट्रिक उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी जाएगी और एप्लीकेबल जाएगी, बिकॉज जो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है या फिर जो स्टूडेंट्स को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आ जाती है तो दैट ट्रिक इज लाइक 110% श्योरिटी है मेरी की होते, बिकॉज मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यही ट्रिक अप्लाई करके दे अचीव द बैंड्स, इवन आई हैव यूज दिस ट्रिक इन माय एग्जाम एज वेल। ओके ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज माइकल ओवेंस वाज हायर्ड बाय अ लार्ज यूएस कंपनी टू डिजाइन अ फुली ऑटोमेटेड बॉटल मैन्युफैक्चरिंग मशीन फॉर देम। ओके तो अब यहाँ पे मेरे को अब ये ढूंढना है कीवर्ड माइकल ओवेंस। अब यहाँ पे वैकेंसी, बिकॉज अभी मैंने बताया था ना अनलेबल्ड पैसेज है, अनलेबल्ड पैसेज है, मेरे को मतलब दोबारा पीछे नहीं जाना, मेरे को आगे देखना है। ओके सो द फर्स्ट ये रहा माइकल ओवेंस, मेरे को मेरी लोकेशन मिल गई। अब मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ दो पार्ट्स में, माइकल ओवेंस वाज हायर्ड, ओके माइकल ओवेंस वाज हायर्ड बाय अ लार्ज यूएस कंपनी टू डिजाइन अ फुली ऑटोमेटेड बॉटल मैन्युफैक्चरिंग मशीन फॉर देम। अब यहाँ पे यू कैन से दैट माइकल ओवेंस वाज हायर्ड, ठीक है ये होगी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी। ओके मैं इसको भी कलर्ड कर रही हूँ, ऑलराइट। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है बाय अ लार्ज यूएस कंपनी टू डिजाइन अ फुली ऑटोमेटेड बॉटल मैन्युफैक्चरिंग मशीन फॉर देम, ठीक है ये हो गया मेरा सेकंड स्टेटमेंट। ओके मैं इसको दूसरा कलर करती हूँ। ओके सो आई विल गिव दिस पर्पल। ओके अब मेरे को ये देखना है कि माइकल ओवेंस वाज हायर्ड, अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ पैसेज में, द फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड मशीन वाज डेवलप्ड इन द यूएसए बाय माइकल ओवेंस। अ फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड मशीन मतलब ये कंपनी टू डिजाइन अ फुली ऑटोमेटेड बॉटल मैन्युफैक्चरिंग मशीन, मतलब ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, ये हाफ स्टेटमेंट गिवन है। अब नेक्स्ट है माइकल ओवेंस वाज हायर्ड, दिस स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट मेरे को चेक करनी है। नाउ यू कैन सी यूएसए बाय माइकल ओवेंस फाउंडर ऑफ द ओवेंस बॉटल मशीन कंपनी। नाउ हियर यू कैन सी यहाँ पे क्या है, माइकल ओवेंस फाउंडर ऑफ द कंपनी। ओके तो माइकल ओवेंस फाउंडर था, उसे हायर नहीं किया गया था, मतलब ये जो हमारी ये स्टेटमेंट आ गई, अब ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स, बिकॉज ये स्टेटमेंट दी नहीं हुई है, और जो भी नेक्स्ट जो है वो दी हुई है, नेक्स्ट वाला पार्ट जो हमें दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हुआ, नीचे देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, फॉल्स प्लस ट्रू इक्वल्स टू, यू कैन सी हियर फॉल्स प्लस ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स, यस। तो मतलब हमारा आंसर इसका आ गया, क्या आ गया, फॉल्स, क्लियर। ओके सो लेट्स गो अहेड नाउ। अभी नेक्स्ट है दैट नाउ अ डेज मोस्ट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स। ओके अब यहाँ पे मेरे को, अभी मैं अगेन अनलेबल्ड पैसेज है तो मतलब मेरे को आगे मूव ऑन करना है, राइट। माइकल नाउ अ डेज मोस्ट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड, अभी है नाउ अ डेज मोस्ट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स। अब नाउ अ डेज एंड मोस्ट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स। नाउ वी कैन सी installed in this factory but it was not the world war, abhi now a days nahi given hai, today you can see here today glass making is a big business, ab yahan pe today is given, theek hai, matlab mera now a days ko relate kar raha hai ye statement today wala, to main isko kar rahi hu kyunki mera statement relate kar gaya isse today se, theek hai। ग्लास मेकिंग इज अ बिग बिजनेस, इट हैज बिकम अ मॉडर्न हाईटेक इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इन अ फियर्सली कंपिटेटिव ग्लोबल मार्केट वेयर क्वालिटी डिजाइन एंड सर्विस लेवल्स आर क्रिटिकल टू मेंटेनिंग मार्केट शेयर। ओके अब यहाँ पे नाउ अ डेज ये चीज तो गिवन है, ठीक है नाउ अ डेज, बिकॉज क्यों मैं बोल रही हूँ गिवन है, बिकॉज ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है तो इसको मैं अभी, मतलब मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज इट इज मैंशनड ओवर देयर। अब है नेक्स्ट है मोस्ट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लार्ज इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स, अब वो बोल रहे कि ग्लास मेकिंग इज अ बिग बिजनेस, ठीक है एंड देन मॉडर्न ग्लास प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग मिलियंस ऑफ ग्लास कंटेनर्स इन अ डे,
अब मॉडर्न ग्लास प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग मिलियन ग्लास ऑफ कंटेनर्स इन अ डे इन मेनी डिफरेंट कलर्स विद ग्रीन ब्राउन एंड क्लियर रिमेनिंग द मोस्ट पॉपुलर. अब जो ये वाला पार्ट है, मोस्ट ग्लास इज प्रोड्यूस बाय लार्ज इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स. ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है दैट इज क्या है, ये गिवन ही नहीं है कि मोस्टली ग्लास प्रोड्यूस किससे होता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहली स्टेटमेंट मेरी ट्रू थी हाफ, दूसरी स्टेटमेंट मेरी दी नहीं हुई है, तो ट्रू प्लस नॉट गिवन इक्वल्स टू नॉट गिवन. यस, सो गाइज दिस इज द ट्रिक विच यू हैव टू इम्प्लीमेंट, विच यू पीपल कैन इम्प्लीमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट इज लीडिंग टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर ग्लास कंटेनर्स. अभी मैं नेक्स्ट पे आ रही हूँ, मेरे को देखना है कि ग्लास कंटेनर्स कहाँ पे लिखे हुए हैं. ओके, तो ये हेयर यू कैन सी ये वाले पैसेज में, विद ग्रोइंग कंज्यूमर कंसर्न फॉर ग्रीन इश्यूज ग्लास बॉटल्स एंड जार्स आर बिकमिंग इवन मोर पॉपुलर, यू कैन सी हेयर. अब यहाँ पे क्या है, कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट. ठीक है, तो इन कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट किसको रिलेट कर रहा है, रिसाइकलिंग को, राइट. मतलब जो मेरा ये वाला पार्ट है दैट इज ट्रू, कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट ही है. ठीक है, ओके. मेरा अब जो फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट का दैट इज ट्रू. अब नेक्स्ट है इज लीडिंग टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर ग्लास कंटेनर्स. ठीक है, अब यहां पे मैं देखूंगी विद ग्रोइंग कंज्यूमर कंसर्न फॉर ग्रीन इश्यूज ग्लास बॉटल्स एंड जार्स आर बिकमिंग इवन मोर पॉपुलर अगेन, मतलब दैट इज ऑल्सो देयर. तो ये स्टेटमेंट भी वहां पे ऐड, तो मतलब मेरे दोनों पार्ट्स हैं वहां पे, तो ट्रू प्लस ट्रू इक्वल्स टू ट्रू. ओके, तो आपको ना मतलब ये टेबल लर्न करना है, ट्रू प्लस ट्रू इक्वल्स टू ट्रू एंड ट्रू प्लस फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स कैसे भी करके. ओके, इसको ना मतलब रट लो. आगे क्या है, इट इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड ग्लास दैन टू मैन्युफैक्चर न्यू ग्लास. ओके, जस्ट अ सेकंड स्क्रीन. अब जैसे अब देखो, अभी हमने यू कैन इफ यू पीपल हैव ऑब्जर्व्ड, तो हमने क्या किया है, देखो सभी मैं आगे पैसेज बढ़ रही हूँ, आगे कर रही हूँ ना, मैंने कोई पिछला पैसेज पढ़ा ही नहीं, पिछली लाइन्स पढ़ी नहीं, बिकॉज मेरा टाइम भी सेव हो गया, बिकॉज मेरे को पता था कि पैराग्राफ अनलेबल्ड है, तो मेरे को मेरे सारे आंसर सीक्वेंस में ही मिलेंगे. ओके, सो इट इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड ग्लास दैन टू मैन्युफैक्चर न्यू ग्लास. अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट इज इट इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड ग्लास, फर्स्ट पार्ट मेरा स्टेटमेंट का ये हो गया. अब जब आप लोग ये करोगे ना, आपको इस चीज का ध्यान डेफिनेटली रखना है कि आप स्टेटमेंट को स्प्लिट अच्छे से करो. ठीक है, आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, दैन टू मैन्युफैक्चर अ न्यू ग्लास. ओके, अब मेरा फर्स्ट पार्ट इट इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस. अब अपन यहाँ पे आते हैं, मेरा आंसर पिछला यहाँ पे था, तो मैं नेक्स्ट इसको पढ़ूंगी. एज लेस एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट रिसाइकल्ड ग्लास दैन टू मेल्ट डाउन रॉ मटेरियल्स, दिस ऑल्सो सेव्स फ्यूल एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. रिसाइकलिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द नीड फॉर रॉ मटेरियल्स टू बी एक्वायर्ड, दस सेविंग प्रीशियस रिसोर्सेस. अब यहाँ पे है कि इट इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड ग्लास, लेकिन यहाँ पे क्या है, एज लेस एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट रिसाइकल ग्लास दैन टू मेल्ट डाउन रॉ मटेरियल्स. तो नाउ अब हियर वी कैन सी, ओके एक मिनट मैं तुम लोगों को ये भी दिखा दूं नीचे वाला. ओके okay. अब इट इज मोर एक्सपेंसिव, यहाँ पे ये चीज दी नहीं हुई है फॉल्स, कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. okay. तो नेक्स्ट जो है, टू मैन्युफैक्चर न्यू ग्लास इट ऑल्सो सेव्स फ्यूल एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. रिसाइकलिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द नीड फॉर रॉ मटेरियल्स. ठीक है, टू बी क्वाइट द सेविंग प्रीशियस रिसोर्सेज. तो दे आर टॉकिंग अबाउट कि लेस एनर्जी चाहिए होती है टू मेल्ट रिसाइकल्ड ग्लास को दैन टू मेल्ट डाउन द रॉ मटेरियल्स. लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब जो इट इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड ग्लास, तो मतलब ये रिसाइकल्ड ग्लास को रिसाइकल करना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है दैन टू मैन्युफैक्चर न्यू ग्लास. लेकिन यहाँ पे दे आर सेइंग इट इज मोर एक्सपेंसिव टू नीडेड टू मेल्ट रिसाइकल्ड ग्लास, तो मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स है, ये नहीं दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है.
और नेक्स्ट स्टेटमेंट डन टू मैन्युफैक्चरर, तो कंपैरिजन तो हुआ है. तो फॉल्स प्लस ट्रू इक्वल्स टू, नीचे पढ़िए, नीचे क्या है, फॉल्स प्लस ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स. ओके राइट. तो गाइज दिस इज द ट्रिक विच यू पीपल हैव टू इम्प्लीमेंट. जब भी आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ जाए ना, इफ यू वॉन्ट कि इस कॉन्सेप्ट से नहीं क्लियर हुआ, आई विल शो यू लाइक आगे और डिटेल. मेरे को कमेंट्स में बता देना कि इफ अगर ये अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ, अगर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आई विल सॉल्व द प्रॉपर सेक्शन रीडिंग का आपके साथ, ठीक है. तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट. बट जैसे जैसे आप लोग इस ट्रिक की प्रैक्टिस करोगे, यू विल लाइक 110% आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो मतलब गलत होंगे नहीं. और रीडिंग में आपको पता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, हेडिंग्स एंड एमसीक्यूज, ये तीन ऐसे कैटेगरीज होती हैं जो रीडिंग में रहती ही रहती हैं. ये क्वेश्चन टाइप्स आते ही आते हैं, तो इन तीनों कैटेगरीज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. तो मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ ये वाला. ओके, यू कैन सी ओवर देयर. मैं ना लार्ज कर दियो. ओके, सो इस चीज को ना देख लो, ट्रू प्लस ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू प्लस फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स. अगर आपका हाफ स्टेटमेंट ट्रू है और हाफ नॉट गिवन है, तो आएगा नॉट गिवन आंसर. सारा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो दैट इज ऑब्वियस फॉल्स. हाफ स्टेटमेंट फॉल्स है और हाफ स्टेटमेंट नॉट गिवन, तो दैट इज फॉल्स. अब जो मेन प्रॉब्लम आती है ट्रू का, तो सबको पता चल जाता है कि ओके हाफ आंसर इसका ट्रू है, ये भी दिया हुआ है, तो इट इज एंटायरली इन द पैसे, तो आंसर ट्रू आएगा. मेन प्रॉब्लम आएगी जब आपको ढूंढना पड़ता है फॉल्स और नॉट गिवन में से, कि आइदर द स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग और आइदर द स्टेटमेंट इज नॉट लाइक बियॉन्ड द पैसेज, है ही नहीं है पैसेज में. तो इस चीज में प्रॉब्लम आती है फॉल्स और नॉट गिवन को असेस करने में. तो अगर आप ये ट्रिक इम्प्लीमेंट करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट द, आप अपना जो लाइक ये फोबिया है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते नहीं है, बहुत ट्रिकी होते हैं ये वो करके, तो आप ये चीज मतलब बड़े अच्छे से कर सकते हो. तो गाइज इफ यू वॉन्ट मोर ट्रिक्स हेडिंग्स पे या एमसीक्यूज पे, तो लेट मी नो, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट एज वेल. एंड येस, इफ यू वॉन्ट टू टेक क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए आपको, ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, वी आर अवेलेबल. ओके, नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन, यू पीपल कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू वांट टू. एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट कि आपको एसेस की इवैल्यूएशन करवानी है राइटिंग की ऑनलाइन, तो यू पीपल कैन डू दैट एज वेल. यू पीपल कैन सेंड मी द एसेस, आई विल इवैल्यूएट एंड विल लेट यू नो योर बैंड स्कोर. आपको जहां जहां पे पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट है, जहां जहां पे कुछ एरिया लैकिंग एरियाज है, वहां पे आप लोग वर्क कर सकते हो. Okay, and do let me know in the comment section if this trick was useful for you or not. And aur bhi tricks I will share with you. Next video jo mera aayega wo hoga speaking pe. To make sure subscribe the channel and aapko matlab aapki koi bhi trick ya video koi miss na ho. And second thing, do comment in the comment section. Let me know ki ye video effective tha, useful tha ke nahi tha. Okay, and stay tuned for the next video as well. And yes, every Saturday there is a free class of IELTS, that is 10 PM to 11 PM. So do join that as well. आप उस क्लास में अपने कोई भी questions IELTS के regarding है, PTE के regarding है, you people can ask and you people can clear your doubts. Okay, so stay tuned till then and bye bye, take care and just break the leg in the IELTS. Thank you.